आप देख रहे हैं कर्मचारियों और सरकारी योजनाओं से जुड़ी खबरों का आपका अपना चैनल एम्प्लॉई खबर। नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉई खबर चैनल के एक और नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों यहां पर बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जिसका कि सभी लोगों को इस वक्त यहां पर जो है इस खबर का बेसब्री से इंतज़ार यहां पर होगा। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि देश में यहां पर जो है 14 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन घोषित किया गया है और यहां पर सभी न्यूज़पेपर, टीवी, मीडिया इस सभी पर लॉकडाउन को बढ़ाए जाने की बात यहां पर की जा रही है। इसी बीच यहाँ पर जो है लॉकडाउन को बढ़ा भी दिया गया है। जैसा कि आपको पता होगा कि आज ही यहाँ पर यूपी के 15 जिलों में और दिल्ली के कुछ हॉटस्पॉट पॉइंट्स पर, साथ ही एमपी के कुछ हॉटस्पॉट पॉइंट पर यहाँ पर जो है जहाँ की कोरोना के ज़्यादा मरीज मिले हैं वहाँ पर जो है उन इलाकों को सील कर दिया गया है, यानी कि जो लॉकडाउन होता है उससे भी बड़ा स्टेज लेते हुए इन इलाकों को सील किया गया है। तो यहाँ पर जो अब यहाँ पर लॉकडाउन बढ़ाया गया है, ये लॉकडाउन अगले 30 अप्रैल तक के लिए यहाँ पर जो है बढ़ाया गया है और ये लॉकडाउन यहाँ पर केंद्र की मोदी सरकार द्वारा नहीं बल्कि उड़ीसा सरकार द्वारा, उड़ीसा राज्य भर के लिए यहाँ पर बढ़ाया गया है। तो चलिए यहाँ पर जानते हैं कि पूरी खबर क्या है। तो इस खबर को पढ़ने के लिए आप जो है employeekhabar.com पर विजिट करके पढ़ भी सकते हैं। तो यहाँ पर खबर आप देख पा रहे होंगे कि 30 अप्रैल तक बढ़ाया लॉकडाउन, 17 जून तक बंद रहेंगे कॉलेज और स्कूल। 17 जून तक कॉलेज और स्कूल बंद रहने की भी घोषणा यहाँ पर जो है यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी के द्वारा कर दी गई है। देश में कोरोना वायरस से निपटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया 21 दिनों का लॉकडाउन 14 अप्रैल को खत्म होने वाला है, लेकिन देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। ऐसे में 21 दिनों के देशव्यापी लॉकडाउन खत्म होने से पहले ही उड़ीसा सरकार ने कोरोना लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ाने का फैसला किया है। राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इसकी घोषणा की और उन्होंने कहा कि 17 जून तक राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थाओं को भी यहां पर जो है बंद रखा जाएगा और ऐसा करने वाला यह देश का पहला राज्य है जिसने कि यहां पर केंद्र में अभी जो है इसका विचार चल ही रहा है और उड़ीसा सरकार ने, नवीन पटनायक जी ने यहां पर यह फैसला भी ले लिया है। इसके साथ ही उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने केंद्र सरकार से भी अनुरोध किया है कि 30 अप्रैल तक ट्रेन और हवाई सेवाएँ शुरू नहीं की जाए। एक तरफ जहां अभी केंद्र सरकार इस बात पर विचार कर रही है, वहीं 14 अप्रैल को लॉकडाउन हटाना सही होगा या नहीं होगा इसी के विषय में शनिवार को मुख्यमंत्रियों के संग माननीय प्रधानमंत्री जी की एक बैठक भी यहां पर होने वाली है और उम्मीद जताई जा रही है कि शनिवार को शाम तक यहां पर इस बैठक के बाद में इस लॉकडाउन को आगे बढ़ाने, पूरे देश में उनको आगे बढ़ाने नहीं बढ़ाने इस पर जो है घोषणा की जा सकती है। उड़ीसा में अब तक यदि कोरोना पॉजिटिव मरीजों की बात करें तो 45 मामले यहाँ पर जो है सामने आ चुके है, जो कि अन्य राज्यों की तुलना में यदि देखा जाए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान की तुलना में देखें तो यहां पर जो है काफी कम है। इसके बाद भी यहां पर जो है स्ट्रिक्ट कदम लेते हुए मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने ये कदम यहां पर उठाया है, जिसके मुताबिक अब यहां पर लॉकडाउन 30 अप्रैल तक चलेगा और 17 जून तक यहां के जो भी राज्य के शैक्षणिक संस्थानें हैं वो सारी यहां पर जो है बंद रहेगी। तो आई होप आपको नवीन पटनायक जी के द्वारा उठाया गया ये कदम सही लग रहा है या गलत, जो है हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो आई होप कि आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी जो है पसंद आई होगी। ये वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी से जानकारी के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा एम्प्लॉई खबर चैनल के साथ। आपको आप देख रहे हैं कर्मचारियों और सरकारी योजनाओं से जुड़ी खबरों का आपका अपना चैनल एम्प्लॉई खबर।